जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी भारतवासियों का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर। दोस्तों जैसा कि बता दें कि आज भारतीय सरकार ने आज भारतीय सरकार ने 27 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर जो है लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला आगे कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बता रहे हैं कि सबसे बड़ी खबरें निकल के आई हैं, एक एक खबर जानेंगे विस्तार से, तो वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। और दोस्तों आज की वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं आपके लिए और आपके फायदे से भी जुड़ी हैं, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कोरोना से जुड़ी अपडेट, उसके बाद में जानते हैं आगे की ताजी खबरें। दोस्तों बता रहे हैं कि भारत में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, जहां पर आज 20,471 लोगों से ज्यादा कोरोना के संक्रमण केस पाए गए हैं। वहीं पर एक्टिव केस की दोस्तों बात की जाए तो 15,859 हो चुके हैं और वहीं पर दोस्तों बात की जाए 3,959 लोग जो कि कोरोना की बीमारी को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वहीं पर दोस्तों 652 लोगों से भी ज्यादा आज लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर दोस्तों बता रहे हैं कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा खत्म हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ दोस्तों बता रहे हैं कि अगर लॉकडाउन के चलते आपके पास बैंक में पैसा खत्म हो जाता है या कोई प्रॉब्लम के बस आपके अकाउंट में पैसे नहीं रह जाते हैं, तो सरकार ने एक बहुत बड़ी सुविधा कर दी है लॉकडाउन के चलते। यहाँ दोस्तों बता रहे हैं कि सरकारी और निजी बैंक जो कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं और ज्यादातर दोस्तों बैंक करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर यह सुविधा देते हैं। लेकिन दोस्तों बता रहे हैं कुछ बैंक जो कि शेयर, बॉन्ड और बीमा पॉलिसी जैसे एजेंट के एवज में भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं, तो आपको दोस्तों ये सुविधा मिल सकती है और इसकी फैसिलिटी के तहत दोस्तों आप बैंक जाकर अपनी जरूरत का पैसा ले सकते हैं और उसके बाद ये पैसा आप बैंक को दे सकते हैं, यानी कि बैंक को चुका सकते हैं। इसका दोस्तों कोई आपको ब्याज नहीं देना होगा। सबसे बड़ी खबर आई है कि सोना चांदी पे आई भारी गिरावट। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड प्राइस 21 अप्रैल से भारी गिरावट के साथ बंद हुआ सोना और वायदा चांदी में भी जोरदार मंदी जानी भाव। जी हाँ दोस्तों, 21 अप्रैल से चल रही है सोना चांदी की बम्पर सेल, जिससे आप दोस्तों खरीद सकते हैं कम मूल्यों पर सोना। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आरबीआई से निकल के आई है। आरबीआई ने दिया करोड़ों किसानों को तोहफा, केसीसी के जरिए लोन लेने वाले किसानों को होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज लेने वाले किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 31 मई तक किस्तें ना जमा करने की छूट देने के साथ ही ब्याज में भी राहत देंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 31 मई तक किस्तें नहीं जमा कर पाते तो आपको ब्याज नहीं देना होगा। सबसे बड़ी खबर दोस्तों बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मई जून 2020 की सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए शुरू किया ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ दोस्तों, एक और सबसे बड़ी खबर निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अगर आप गुटखा खाते हो या फिर खैनी या सिगरेट पीते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। भारतीय सरकार ने किया है ऐलान कि गुटखा और खैनी तंबाकू खाने वाले लोगों पर लगाई जाए रोक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गुटखा, खैनी, सिगरेट पीते हुए कहीं रोड पर जो है पुलिस के हाथों नजर आ जाते हो तो आपको जो है 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ सकता है और आपको 20,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है लॉकडाउन के चलते। यहाँ भारतीय सरकार ने इसका किया ऐलान। सबसे बड़ी खबर दोस्तों बता रहे हैं कि 30 करोड़ गरीबों को मिलेगा फ्री में राशन। जी हाँ, लॉकडाउन के चलते भारतीय सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सबसे बड़ी खबर रेलवे को लेकर आई है, जहां पर रेलवे ने बताया है कि 3 मई के बाद फैसला किया जाएगा कि भारत में ट्रेनें चलाई जाएंगी या नहीं चलाई जाएंगी। यहां दोस्तों सबसे बड़ी खबरें आज की ये निकल के आ रही थी, जो कि जान लेना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था आपके लिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाकर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जिससे आप हमारे चैनल की आने वाली कोई भी ताजा खबर और न्यूज अपडेट मिस न कर पाए। तो थैंक्स माय ऑल यूट्यूब फैमिली।